इस सीरीज को देखना नहीं बल्कि एक तरीके से टॉर्चर सहने के बराबर था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वर्जन भास्कर वेब सीरीज के बारे में और इसके दोनों ही सीजन के बारे में बात करूंगा। और इस सीरीज के निर्माण में दो, यानी एक एएलटी बालाजी और G5, इन दोनों का निर्माण में मतलब इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है। और इस सीरीज में इन्होंने अपनी जो घटिया सोच है वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए, और इसके जो मेकर्स हैं उन्होंने बेड़ा उठाया है कि आप लोगों को बताए कि मॉडर्न व्यक्ति या मॉडर्न महिला या आदमी क्या होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एकदम लिबरल, एकदम मॉडर्न बनकर आपसे बात करूं। तो आप अपने हेडफोन लगा लेना, क्योंकि यार मॉडर्न बनने की सबसे पहली निशानी ये होती है कि मैं गाली देना शुरू करूं। बाकी मैं कोशिश करूंगा अपने ऊपर किसी भी अपशब्द का यूज ना करूं, बट यार अगर मैं ज्यादा ही मॉडर्न बन गया, ज्यादा ही लिबरल बन गया तो भावनाओं में बहकर पता नहीं क्या हो जाए। एकता कपूर जो एक सुडो फेमिनिस्ट लेडी है, अब ये क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर इस पूरी सीरीज को मैं एक ही लाइन के अंदर आप लोगों को बताऊं तो इसका फर्स्ट सीजन और इसका सेकंड सीजन, इसके अंदर एक लड़का है भास्कर त्रिपाठी, वो दोनों ही सीजन के अंदर अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो वो सेक्स करना चाहता है। और भास्कर त्रिपाठी को इसमें काम करते हुए दिखाया गया है कि वो गंदी किताबें लगता है, और जो ये किताबें होती हैं वो भारत का हर एक व्यक्ति पढ़ता है, उसे हर एक बच्चा पढ़ता है, उसे हर आदमी पढ़ता है, औरत पढ़ती है, छोटी लड़की पढ़ती है, यानी हर एक छोटे से लेकर बड़ा तक उसकी वो गंदी किताब पढ़ता है। देखो यार यही इसकी थीम है, यही इसकी कहानी है। अब देखो तुम्हें लगेगा यार ये इसकी थीम है तो इसमें क्या दिखाया गया होगा, इसमें उल्लू जैसा सॉफ्ट फोन बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम वही दिखा देते तो शरीर का एक अंग तो खुश हो जाता। इसके मेकर्स ने इन दोनों सीजन में आप लोगों को अपनी आइडियोलॉजी, जो एक घटिया आइडियोलॉजी है, वो आप लोगों को दी है। मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर भारत में किसी भी लड़के या लड़की ने 20 से 25 साल की उम्र से पहले अगर सेक्स किया ही नहीं तो वो एकदम घटिया, नलायक, धरती पर बोझ है, मतलब वो अनसक्सेसफुल पर्सन है, वो जिंदगी में कामयाबी नहीं हो सकता, इवन वो समाज में बात भी नहीं कर सकता, उसे समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। समाज छोड़ो यार, उसे देश से बाहर निकाल दो, क्योंकि इसके मेकर्स ऑलरेडी ये सब चीजें करके बैठे हैं, तो उनको लगता है कि उन्होंने जो चीजें की वो बहुत ज्यादा सही थी, और ये अपनी जो सोच है वो लोगों तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि भाई जो उन्होंने किया वो बहुत अच्छा था, और तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलो और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर डालो। और तुम्हें क्या लगता है कि बस ये लोग यहीं रुक गए होंगे? इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के अपनी लिबरलिज्म या फिर अपनी एक घटिया आइडियोलॉजी आप लोगों के सामने पेश किया। इन्होंने कहा है कि अगर आपका एक पार्टनर है, आप एक लड़की हो तो आपका एक जो पार्टनर लड़का है, या आप एक लड़के हो और आपका पार्टनर एक लड़की, अगर वो किसी के भी साथ सेक्स करे तो आपको कोई भी एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार प्यार तो जिस्मानी नहीं होता, वो रूहानी होता है, और सेक्स जो होता है वो जिस्मानी होता है, तो रूहानी जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो उसको प्रायोरिटी दो। अब क्या बोले यार, इनके लिए तो तालियां बजाओ यार। और इसमें इमोशनल करने के लिए यार इन्होंने एक लव स्टोरी डाली है। कसम से उस लव स्टोरी को देख के उल्टी आने से तो आप, मुझे लगता है कि अपने आप को मुश्किल से रोक पाओगे, इमोशनल तो यार किसी भी एंगल से नहीं हो पाओगे। और अब ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट ना करें, यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो इन्होंने इस सीरीज में वही अपना पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने से मतलब ये बाज आए नहीं, बिल्कुल अपनी भड़ास निकाली है उसके ऊपर। देखो यार मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, इन लोगों के दिमाग में कचरा भरा है, क्योंकि ये जब से पैदा हुए इन्होंने गंदगी गानी स्टार्ट करी और ये गंदे लोग बन गए, क्योंकि इनके दिमाग में अब कचरा भर गया, तो अपनी गंदी सोच से ऐसी गंदी घटिया वाहियात वेब सीरीज बनाएंगे, लोगों को एक अपनी घटिया आइडियोलॉजी प्रेजेंट करेंगे। तो यार देखो यार इस चीज को समझो, इन लोगों के पास अगर तुम ये मूवी या सीरीज देखने जाते हो तो तुम्हारा टोटली टाइम वेस्ट होता है। तो इस संसार में ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उनके ऊपर फोकस करो, उन चीजों के ऊपर ध्यान दो, उनसे कुछ गेन करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अब इसके बारे में और बात करके अपने दिमाग की बैंड नहीं बजाना चाहता, क्योंकि इन जैसे घटिया लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो डिजर्व नहीं करते, उनके बारे में और बात की जाए। इस सीरीज यानी इसके दोनों सीजन को मैं देना चाहूंगा 0 out of 10 स्टार, और मैं उम्मीद करता हूं यार किसी ने ना देखी हो, और जो सोच रहे हो कि मैं ये रिकमेंडेड करूं इसको, यार बिल्कुल भी मैं इसे रिकमेंडेड नहीं करने वाला, दूर रहो ऐसी घटिया सीरीज है। और ये बात उन लोगों को जो टीनेजर्स हैं वो इन जैसी घटिया वेब सीरीज, जो इनका नाम सुन के ही उनके मन में जो ऑर्गेजम आ जाता है, तो भाई साहब अगर तुम्हारे मन में ऐसी वाहियात मूवी या सीरीज देखकर या इनका नाम सुनकर तुम्हारे मन में अगर ऑर्गेजम आ रहा है तो जाकर किसी डॉक्टर से इलाज कराओ, जो गुप्त रोग के जो डॉक्टर होते हैं वो तुम्हारा सही से इलाज करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हारी शादी यार मैं कहता हूँ कि यार मुश्किल से चलने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।